क्यों हैप्पी, यही ऑफिस है ना? जी जी दादी। तो कैसे बात करनी है? जी जी, वो औरत साफ सफाई कर रही है, उससे पूछे। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ। तो ये एक बात बताओ, पहले तुम मुझे एक बात बताओ। मैं? अच्छा चलो पूछो। आंखों पे ढक्कन लगा है क्या? मेरी? हाँ। हैप्पी, मेरी आंखों में ढक्कन लगा? नहीं जी जी, नहीं लगा जी। तो दिखता नहीं, मैं सफाई कर रही हूँ। दिखता है। सिगरेट यहाँ काहे को फेंका? वो कहाँ फेंकता? उधर डस्टबिन नहीं दिखता? और चलो जी, फेंक दी तो फेंक दी। अरे वाह, ऐसे कैसे फेंक दी? ओ कमाल है यार, एक सिगरेट फेंक दिया तो औरत पीछे पड़ गई है। ए, मैं तेरे पीछे क्यों पड़ू? तू ऋतिक रोशन है? और देखा? देखो क्या देखो, चलो ये लो झाड़ू साफ करो, चलो। ओ, मैं मुसद्दीलाल छावड़ा, ड्राई फ्रूट मर्चेंट, साफ करो। तू देख रहा है अभी? जी जी जाजी। मुझे साफ करने को कह रही है? जी जी जाजी। मेरे जी जाजी को? जी जी जाजी। साफ करूं? जी जी जाजी। अगर ना करूं तो मारेगी ये? हाँ। औरत? हाँ। मारेगी? हाँ। मुझे? अरे मुसद्दीलाल छावड़ा को मारेगी? आज तक कभी किसी औरत ने मुझे हाथ नहीं लगाया। नहीं मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक किसी औरत ने मुसद्दीलाल छावड़ा को मारा नहीं है। क्यों है अभी? नहीं नहीं जीजा जी, आज सुबह ही तो आपको डॉली दीदी ने मारा। वो तो तेरी बहन है। हाँ जीजा जी। मेरी बीवी है। हाँ जीजा जी। वो कोई औरत है? पता नहीं जी। क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम लोग? चलो झाड़ू ले लो, साफ करो। अरे आज तक मैंने अपने घर के अलावा किसी चीज की सफाई नहीं की है। तो आज करो। नहीं करूंगा। ऐसे कैसे नहीं करोगे? ए पटेल, शुक्ला, भाटिया। ओ, ये तो बंदों को बुलवा रही है, पिटवाएगी क्यों हैप्पी? जीजा जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ साफ कर दूँ। किस किस को बुला रही हो? क्या हुआ उषा भाई, क्या हुआ? अरे देखो ना, ये ऑफिस में गंदगी करता है और मेरे से झगड़ा करता है। क्या भाई, तो औरत का मुंह लग रहा हो? कहाँ मुंह लग रहा हूँ, इतनी दूर खड़ी है वो, मुझसे क्यों हैप्पी? जी जीजा जी। देखा? अरे देखा क्या देखा, ज्यादा नाटक मत करो, चलो साफ करो। मैं नहीं करूंगा साफ, क्यों हैप्पी? जीजा जी, हम यहाँ परमिशन लेने आए हैं, अगर इनसे ही पंगा ले लिया तो परमिशन कौन देगा? हाँ ये तो मैं भूल गया था। क्या बोल रहा हूँ? क्या पहुंच रहा था? मैं कुछ नहीं पहुंच रहा हूँ। पहुंच नहीं, कह रहा हूँ क्या सोच रहे थे तुम? यही के साफ करूं? यही तो, साफ कर ही लो। हो गया साहब। हाँ, इतनी सी बात से इतनी परेशान हो रही थी, अब ये भी साफ करो। ये? हाँ। अरे ये तो इसने थूका। किसकी वजह से? मेरी वजह से। ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से, तुमने उषा भाई के साथ झगड़ा किया, उसने हमको बुलाया, हम आए, शुक्ला बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो उसने थूका, तो तुम्हारी वजह से थूका ना, चलो साफ करो। ओ भाई उषा भाई, माफ कर दो प्लीज, और इसको साफ कर दो प्लीज। तुम क्या मुझे पगार देते हो? मैं देता तो नहीं हूँ, पर दे दो थोड़ा बहुत। लाओ लो भाई लो। इतनी सी बात के लिए खामा का टाइम वेस्ट किया मेरा? क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई थूकना मत भाई। किससे क्या काम है यहाँ? ये भाई साहब बात ये है कि हम यार, इधर आइए मेरे साथ सज्जन पुरुष की तरह, अंदर आइए। हैप्पी तू उधर से जाना, मैं इधर से जाता हूँ, टकरा गए तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या है? पता है जो सफाई कर रही तो सफाई रखना पड़े ना, ऐसा है। बैठिए, बोलिए क्या काम है? जी मेरा नाम मुसद्दीलाल छावड़ा है और ये मेरा साला हैप्पी है। लग तो नहीं रहा। नहीं जी हैप्पी है, चाहो तो पूछ लो, हैप्पी तो हैप्पी है। जी जी जी, मैं हैप्पी। तो दुखी क्यों दिख रहे हो तुम? दुखी तो ये रहता है। अच्छा, आप हैप्पी हैं? ओ मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, एक्चुअली मेरे लड़के का पहला मुंडन है। पहला मतलब तीन चार मुंडन होता है क्या आपके यहाँ? नहीं सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे पहले लड़के का मुंडन है तो उसकी परमिशन लेने के लिए आया था। अरे लड़का आपका है, मुंडन आपके यहाँ, तो नगर पालिका से क्या परमिशन लेने आए? नहीं, जिस जगह पे हमने पार्टी करनी है ना, उस जगह की परमिशन लेने के लिए आए हैं। क्यों हैप्पी? जी जी जी। कौन सा ग्राउंड होता है? जो रामलीला ग्राउंड है ना, किनवाई नगर, वो। अरे तो क्या परमिशन क्या लेना भाई, गाड़ो टम्बू बजा बम्बू, कोई आए तो 200-300 दे के टरका देना, और क्या, मत को परमिशन। देखा मैंने कहा था ना हैप्पी। जी जी जी, फिर मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना? कोई जरूरत नहीं है भाई, क्यों चक्कर में पड़ते हो परमिशन के? अरे अगर वहाँ पे दूसरी कोई पार्टी निकलाई तो ले लो परमिशन। तो अभी तो आप कह रहे हो ना लो परमिशन। भैया बाकी आप ऐसी कह रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी निकल आए तो? नहीं तो निकल तो सकती है ना। हाँ वो तो हो सकती है। तो फिर क्या करूं? उठो उठो उठो, जाओ। कहाँ? वहाँ। वहाँ कहाँ? भाटिया जी के पास। वो भाटिया कौन है? वो कुलवाई नगर का इंचार्ज है। अच्छा ये, थैंक यू जी, थैंक यू। चल भाई हैप्पी चल। जी जी। अच्छा, अरे दुनिया तो एक खंबा गाड़े हुए है, एक साल से इनको एक दिन के लिए परमिशन चाहिए। जाओ भरत मुनि, लो परमिशन अपना। क्या दो? क्या? अरे क्या तो ऐसे पूछ रहा है जैसे जो मैं बोलूंगा तू दे ही देगा। नोट दे, नोट। कितने? 500। भाटिया जी आपको नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा है? ज्यादा नहीं है, 5 दिन तक तंबू गाड़ के बैठोगे, 100 रुपया पर डे। पर मैंने नरक पालिका की फीस तो दे दी है। नरक पालिका की फीस दी है, ये
नरक पालक की फीस है। ये क्या बना रहे? नरक पालक यानी कि हम जो नरक का पालन करते हैं। बोलो पलोगे? ये तो मत बोलो, जल्दी बोलो, ने पीछे पलने के लिए तैयार खड़े हैं। और 5 दिन तक आपको आना नहीं चाहिए। अरे 5 साल तक तुझे कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, नरक पालिका तब तक किसी को नहीं उठाती जब तक वो खुद सो के नहीं उठती। जा सो जा। आइए भाई साहब, बैठिए 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 जी। थैंक यू। समोसा तो नहीं खाते होंगे? नहीं जी। अगर खाते भी होते तो कोई फायदा नहीं होता, बचा नहीं है, इलाज था। बोलिए क्या सेवा करूँ आपकी? जी मेरा नाम मुसद्दीलाल छाबड़ा है और ये मेरा साला हैप्पी है। हैप्पी? हाय हैप्पी, दिख ही रहा है। काम बोलिए जी। 15 तारीख को मेरे बेटे का मुंडन है। क्या? मुंडन है जी। अरे मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। अरे उषा भाई, उषा भाई जी। अरे भाई मिठाई लाओ, मिठाई। क्यों? अरे इनके लड़के का मुंडन है। अच्छा, लाओ। क्या? पैसे? पैसे कैसे? मिठाई के लिए। अरे तुम्हारे लड़के का मुंडन है? नहीं नहीं, पर बार बार क्या, मिठाई तो बनती है भाई। बनती तो है, मगर 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 कुछ नहीं, हम आपका मुंह मीठा किए बगैर आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। नहीं, मुंह तो मैं घर जाके मीठा कर लूंगा। नहीं नहीं, घर वर नहीं, यहीं पे, यहीं पे। अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है। जी जी, ये क्या 50 रुपए? अरे 250 रुपए से कम तो अच्छी मिठाई नहीं आती आजकल। तो इतनी मिठाई आप खाएंगे? आपको क्या लगता है कि मैं अकेला खाऊंगा? नहीं नहीं, अकेले तो नहीं, साथ में पूरे स्टाफ में बांट के ही खाओगे। पागल है क्या? अरे मैं अकेला खाऊंगा, अकेला, जल्दी करो जल्दी। हैप्पी, ये रिश्वत लेने का नया तरीका है। जी जी जी। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि आपके बेटे के मुंडन के बारे में रिश्वत ले रहा हूँ? नहीं तो नहीं नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, मैं रिश्वत ही ले रहा हूँ। उषा जी आप जाइए। हाँ जी, अब बोलिए जी। तो 15 तारीख को मेरे बेटे के मुंडन की पार्टी है। हाँ, एक मिनट, मैं जरा नोट कर लूं। क्या नोट कर रहे हैं? परमिशन के लिए? नहीं नहीं, एडमिशन। एडमिशन किसका? मेरा। अरे भाई मुझे याद रहना चाहिए ना कि 15 तारीख को आप क्या जाना है। जी अच्छा, वो रामलीला ग्राउंड है ना जो किदवई नगर में। हाँ। वहाँ पे तंबू गाड़ने की परमिशन चाहिए। अरे एक मिनट, हलवाई को रखा है? जी नहीं, केटर रखा है। कौन सा केटर? 5 स्टार। अच्छा, बहुत अच्छा है जी। हाँ, तो वो तंबू गाड़ने की परमिशन चाहिए। एक मिनट, मेनू क्या है? मेन्यू में एक तो पनीर का आइटम रखा है, 2-3 हरी सब्जियां हैं। हाँ। कुछ पराठे हैं, नान है, और एंड में हमने गाजर का हलवा रखा है। अरे वाह, लेकिन 15 तारीख को पार्टी है ना? जी हाँ। थोड़ा पहले नहीं कर सकते? क्यों भाई, अब इतना सुन लिया ना, रहा नहीं जाएगा। अब देखिए, तो मुहूर्त निकला है 15 तारीख का, तो उसके लिए तंबू गाड़ने की परमिशन चाहिए थी। अरे परमिशन का क्या करना है, ऐसी गाड़ दो। ऐसी? और कैसा, ऐसी गाड़ दो। अगर कोई आ गया तो? अरे 100-200 रुपए मुंह पे मारना, दफा करना। देखा मैंने तेरे को बोला था ना? जी जी जी। हाँ तो जी, वो उसकी फिर मतलब बाई चांस उस दिन अगर किसी और की पार्टी वहां पे निकल आई और उसने तंबू गाड़ा तो हाँ, तो फिर परमिशन ले लो। तो दे दो। ले लो तो दे दो ना। एप्लीकेशन दी? नहीं। तो दे दो। किसको दूं? पटेल को। क्यों, एप्लीकेशन क्यों? भाई पटेल साहब चेक करेंगे ना कि उस दिन उस ग्राउंड में किसी और ने तो तंबू नहीं गाड़ा होगा। 15 दिसंबर? हाँ जी हाँ जी। किदवई नगर? हाँ जी हाँ जी। रामलीला ग्राउंड? हाँ जी हाँ जी। नहीं, वो तो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है? हाँ, मतलब वहां पर किसी की बुकिंग है। किसकी बुकिंग है? पता नहीं, किसी की चौथे की पार्टी है तो टेंटेटिव बुकिंग कराई है। चौथे की टेंटेटिव बुकिंग? नहीं, मतलब क्या है, आदमी अभी मरा नहीं है ना, मरने वाला है तो उसने एडवांस में जगह बुक करा दी है। चौथे एडवांस में जगह बुक करा दी है? क्या है, फंक्शन ज्यादा हो रहे हैं, जगह कम है, इसलिए लोग जगह एडवांस में ही बुक करा देते हैं। देखा, मैंने तेरे से कहा था ना कि परमिशन लेके चलना चाहिए, यहाँ ना आते तो चौथे के बारे में पता ना चलता, और वहाँ जी लोग चौथे की पार्टी खा के चले जाते। जी जी जी। अब क्या करें, आप भी सोचो। जीजाजी मैं सोचूं, पटेल साहब कैंसिल नहीं हो सकता है? हो सकता है, उस आदमी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। किस आदमी से? वो जो मर रहा है कि भाई या तो थोड़ा पहले मर या तो थोड़ा बाद में। मैं भी सटिया गया हूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, एक सोल्यूशन है। क्या है, उसी ग्राउंड में चौथे की पार्टी के साथ साथ आपके मुंडन की पार्टी भी रख दो ना, तो क्या है कि एक तरफ आपका चौथा होगा और दूसरे तरफ उसका मुंडन होगा। नहीं नहीं, मेरा चौथा नहीं है, मेरा तो मुंडन है। मतलब सेम, फर्क क्या पड़ता है, क्या है, काफी बड़ा ग्राउंड है ना। हाँ, वैसे हो तो सकता है, क्यों नहीं। जीजा जी, गड़बड़ हो जाएगी। जीजा जी, इधर के गेस्ट उधर और उधर के गेस्ट इधर आ जाएंगे। हाँ यार, देखो पटेल साहब, ऐसा ना हो जाए कहीं कि चौथे की पार्टी में लोग जाके मुंडन की मुबारकबाद देते फिरें और मेरे यहाँ आके लोग अफसोस करें, भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कवर लगा देने का बीच में, टेंट लगा देने का, एक गेट तुम्हारा एक गेट उनका। क्या है, एक गेट पे लिखने का कि चौथा हियर, दूसरे गेट पे लिखने का मुंडन देर। बस ठीक है जी, चौथा हियर देन मुंडन देर, हो गया जी, बस आप बुक कर दो। लाइए 1000 रुपए। है जी? अच्छा हाँ, ये लो जी, ये 750 ये 250। हाँ जी, ये 1000। ओके,
कल आकर परमिशन लेटर ले जाना, ओके? ठीक है जी, थैंक यू जी। चल भाई हैप्पी। ओ हैप्पी, ये जो तेरा जीजा है ना मुसद्दीलाल छावड़ा ड्राई फ्रूट वाला, इसको कोई परमिशन रिफ्यूज नहीं होती है। जी जी दादी। हाँ हाँ जी, परमिशन मिल गई हमारी। हाँ भाई, आपको परमिशन नहीं मिल सकती। देखा तू है जी। हाँ, वो बड़े साहब ने मना किया। बड़े साहब? हाँ, पांडे जी। ओ ठीक है जी, बता दो कहाँ बैठते हैं, वो हम उनसे बात कर लेते हैं। क्यों जी हैप्पी? जी जी दादी, वो ऊपर बैठते हैं। किसके ऊपर बैठ गया? क्या? नहीं नहीं, मतलब कहाँ बैठता है? सेकंड फ्लोर पर बैठते हैं। सेकंड फ्लोर पर बैठते हैं। अच्छा जी, थैंक यू जी, आजा भाई। जी जी दादी। नहीं जी नहीं, किदवाई नगर रामलीला ग्राउंड मुंडन मुंडन के लिए नहीं है, वो धार्मिक स्थान है, वहाँ नहीं। कैसी बात कर रहे हो पांडे जी आप, वहाँ पे तो कई पार्टियां होती हैं, शादियां होती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, सब बिना परमिशन के होता है। तो आप मना नहीं करते? कंप्लेन नहीं आती। कंप्लेन नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब बिना परमिशन के कर सकते हैं वहाँ पे? सभी करते हैं। तो किसी का तंबू लगाओ तो क्या करेंगे? तो परमिशन ले लो। तो दे दो। नहीं मिलेगी। देखो पांडे जी, प्लीज ऐसा ना करो भाई, मैंने अपने बेटे के मुंडन बड़े अरमानों से सजाए हैं और ये रामलीला ग्राउंड किदवाई नगर के, मैंने तो कार्ड भी बांट दिए हैं। हमसे पूछ के बांटे थे? नहीं जी। तो अब क्यों पूछ रहे? चलो ठीक है जी, गलती हो गई। चल भाई हैप्पी, फिर ठीक है, बिना परमिशन के कर लेते हैं। नहीं कर सकते। क्यों जी? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है। अरे तो पांडे जी कुछ करो ना, प्लीज करो ना यार। अरे हमें नौकरी से निकलवाओगे क्या? अरे नहीं पांडे जी, कुछ करो हैप्पी। जी जी जी, कुछ तो बोलना है जी पांडे जी। ठीक है ठीक है, इतना प्रेशर डाल ले तो देता हूँ परमिशन। 5,000। 5,000? हाँ, इतना लगेगा। हैप्पी कहीं ये रिश्वत तो नहीं मांग रहे? जी जी जी। नहीं पांडे जी, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। कहाँ ज्यादा है, पूरा ग्राउंड भी तो दे रहे हैं। कोई शादी पार्टी का हॉल बुक कराते ना तो 25-30 हजार से कम नहीं लगते? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो 10,000 रुपए में हॉल मिल रहा था। क्यों हैप्पी? नहीं जी, 30,000। बोला जी, वो तो बोल गया जी, बोल गया वो तो। अब ठीक है जी, कल ला दूंगा 5,000 रुपए। और साथ में साउंड पोल्यूशन कंट्रोल की परमिशन भी लेके आना। वो किस लिए जी? लाउड स्पीकर नहीं बजाओगे? नहीं नहीं, रात भर भगड़ा चलेगा। नहीं चलेगा, सामने अस्पताल है। तो फिर वो साउंड पोल्यूशन वाले कैसे देंगे परमिशन? जैसे हम देंगे। चलो ठीक है जी, चल भाई हैप्पी, तो मैं कल लाके देता हूँ जी। आप परसों भाटिया जी से परमिशन ले जाओ। ओके, तो ये है साउंड पोल्यूशन कंट्रोल की परमिशन। हाँ जी, लेकिन उसकी परमिशन तो है ही नहीं। उसकी? किसकी? पुलिस की। उसकी भी लगती है? हाँ हाँ, पुलिस की परमिशन भी लगती है। भाई मैं तो मुंडन कर रहा हूँ, दंगे थोड़े हो रहे हैं। भाई साहब, तुम पंजाबी हो? हाँ जी पंजाबी हैं। तो दारू पिलाओगे पार्टी में? दारू तो पिलाओगे। तो फिर किस पंजाबी की पार्टी में दारू पी के दंगा नहीं होता? नहीं जी, देखो हमारी पार्टी में तो बहुत ही शरीफ लोग आ रहे हैं, तब तो दंगा होना ही होना है। आप समझो भाटिया साहब, बहुत इज्जतदार लोग आएंगे शहर के। ये गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होगी वहां तो, वहां तक। तब तो आपको ट्रैफिक पुलिस की परमिशन भी चाहिए। हैं जी? हाँ, गाड़ियों की लाइन से अगर ग्राउंड के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया तो? और क्या बात कर रहे हो आप भाटिया साहब, उस मैदान के अंदर इतनी इतनी शादियां होती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की, कोई पुलिस की परमिशन नहीं लेता, क्यों आपी? जी जी जी, वो तो बिना परमिशन के करते हैं ना। तो मैं क्या करूं? आप एक काम करो, आप पुलिस की परमिशन लो, फिर ट्रैफिक पुलिस की परमिशन लो, फिर हम परमिशन देंगे। देखो जी, 5 दिन से चक्कर लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 दिन रह गए मुंडन में, मुझे तो लगता है मुझे पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। नो 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 नो, ऐसा मत करना भाई साहब, मैंने उस दिन से कुछ खाया नहीं है जिस दिन से आपने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। मैंने कहा इनवाइट किया, आपने तो अपने आप को कर लिया था इनवाइट। तो बात एक ही है, जल्दी जाओ भाई, पुलिस परमिशन में टाइम लगता है। हैप्पी। जी जी जी। चल। जी जी जी। आज ना हर हालत में हम लोग यहाँ से परमिशन लेके जाएंगे, क्यों हैप्पी? हाँ जी जी। अरे भाटिया साहब तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। पटेल साहब। अरे नमस्ते छावड़ा साहब। नमस्ते जी, ये भाटिया साहब नहीं आए आज? नहीं, वो छुट्टी पे हैं। क्यों, तबीयत खराब है? नहीं, चौथा है ना। भाटिया साहब का चौथा है? नहीं नहीं, उनका नहीं, वो टेंटेटिव बुकिंग वाले का चौथा। अच्छा, वो रामलीला ग्राउंड? हाँ, बेचारे 4 दिन पहले ही मर गए। लो जी, वेरी गुड, अब तो अपने पास पूरा पूरा मैदान है पार्टी के लिए, क्यों हैप्पी? हाँ जी जी। अफसोस करने के लिए गए होंगे भाटिया साहब? नहीं, वो तो चौथे की दावत खाने गए हैं। अच्छा, कब आएंगे? वो तो भाई कल परसों आ जाएंगे। पर 3 दिन बाद तो मेरी पार्टी है, मैं क्या करूंगा? हाँ तो पार्टी में टाइम पे पहुंच जाएंगे वो। नहीं जी, मैं परमिशन की बात कर रहा हूँ, क्या करेंगे हैप्पी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजा जी। फ्रेंकली एक बात बताओ ना, ये परमिशन वर्मिशन का चक्कर छोड़ दो, ऐसे ही तंबू गाड़ो और पार्टी करो। क्या है, परमिशन ली तो 2 बातें होंगी, या तो परमिशन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारी पार्टी होगी या तो नहीं होगी। होगी कहां से, और नहीं हुई तो 2 बातें होगी, या तो आने वाले मेहमान तुम्हें गाली देंगे या तो नहीं देंगे। नहीं तो ऐसा होता नहीं, और दी तो 2 बातें होगी, या तो वो तुम्हें अपनी पार्टी में आने की परमिशन देंगे या तो नहीं देंगे।
देंगे ऐसा लगता नहीं है मुझे, और नहीं दी तो अरे यार क्यों इस परमिशन के चक्कर में अपनी परमिशन हर जगह से कैंसिल करना चाहते हो? देखो पटेल साहब, मेरे पास बाकी सारी परमिशन है और भाटिया साहब को साइन चाहिए। अब नहीं आए हैं ना वो, तो फिर क्या करूं? बड़े साहब से मिलो। अरे यार कमाल की मुसीबत है, और मैंने पहले कहा था ना ये परमिशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? जी 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 तेरी ना पेन। नहीं जी जी, परमिशन के चक्कर में पड़ते क्यों? क्या जी? हाँ तंबू लगाओ, कोई हमारे जैसा आदमी आ जाए तो 100-200 दे के खाना ना खिला के एक बॉटल टिका देना चला जाएगा। नहीं नहीं पांडे जी, मैं तो परमिशन के चक्कर में 8,000 रुपए खर्च कर चुका हूँ, अब तो आप परमिशन दे ही दो। सोच लो। नहीं नहीं मुझे लगता परमिशन ले ही लेते हैं। क्यों हैप्पी? जी जी जी। हाँ तो प्लीज पांडे जी, डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। उषा जी। जी सर। इन्हें शुक्ला जी के पास ले जाओ और कहना पांडे जी ने भेजा है, इनके पेपर चेक करके इन्हें परमिशन दे दो। जी सर। चलो उठो। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा जी पांडे जी, परमिशन तो आपको दे दे हम, पर क्या क्या है कि कचरा विभाग का परमिशन लेके आइए। कचरा विभाग का परमिशन? अरे बाजू में जट बगल में। नहीं पर क्यों? अरे लोग मैदान में खाए पिएंगे तो गंदा करेंगे, तो गंदा करने का परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? गंदा करने का परमिशन? हाँ। और भाई रोज सुबह वहाँ पे लोग लोटा लेके बैठते हैं तो गंदा नहीं होता मैदान? विदाउट परमिशन बैठते ना, आप भी जाइए विदाउट परमिशन जाके बैठ जाइए। नहीं पर मुझे लोटा लेके नहीं बैठना है वहाँ पे। क्या लेके बैठना चाहते हैं? क्या लेके बैठना? तो नहीं जी कुछ लेके नहीं बैठना चाहता हूँ मैं तो पार्टी करनी है मंडन की। तो करिए ना पार्टी पर परमिशन। ठीक है कचरा विभाग जाता हूँ लेके आता हूँ परमिशन, और कोई परमिशन तो नहीं चाहिए? ठीक है चल भी हैप्पी चल। जी 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 हाँ चल आजा 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 हैप्पी आजा आजा आजा। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, क्या हुआ मुसद्दी जी, मिल गई आपको परमिशन? बस पांडे जी मिली जाएगी परमिशन। शुक्ला जी ये इसके अंदर मैंने कचरा डिपार्टमेंट की परमिशन लगा दी है, अब नरक पालिका की परमिशन आप दे दीजिए। बस अभी लो, 14 को पार्टी है ना? नहीं 14 नहीं जी, 15 तारीख को रामलीला ग्राउंड में किदवाई नगर। क्या 15 तारीख को रामलीला ग्राउंड में मुंडन? हाँ जी। पागल हो क्या? पागल? हैप्पी मैं पागल हूँ? नहीं जी जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जी। पागल नहीं हो फिर भी 15 तारीख को रामलीला ग्राउंड नहीं मिल सकता? क्यों? 15 तारीख से वहाँ रामलीला शुरू है। क्या वहाँ राम का जन्म होगा कि तुम्हारा मुंडन होगा? क्यों हैप्पी? हाँ जी जी 15 तारीख से रामलीला चालू है, मुझे 2 पास दिला दो ना। अरे तुझे पास की पड़ी हुई है, यहाँ पे मुंडन का प्रॉब्लम हो रहा है भाई। 15 तारीख तो मैं बोल के गया था जी। किससे बोल के गए थे? भाटिया साहब मैं आपको बोल के गया था ना। हाँ मैं पार्टी के चक्कर में रामलीला भूल ही गया था, लेकिन डोंट वरी मैं 15 की जगह 14 को आ जाऊंगा, 14 को रखो। हाँ जी एक दिन पहले रख लो। हाँ ये ठीक रहेगा। क्यों आप पे? जी 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 नहीं जी जी पर मुहूर्त तो 15 का है जी। अगर जगह 14 को मिल रही है ना भाई। ओ भाई साहब पार्टी तो जगह के हिसाब से रखी जाती है, मुहूर्त के हिसाब से थोड़ी रखी जाती है। आपके ऊपर 14 तो कल ही है। यही तो, फिर कल ही सारे रिश्तेदारों को बुला लेना ना। क्यों हैप्पी? हाँ जी जी चलो ठीक है जी, आप कल की परमिशन दे दो, बाकी सारी परमिशन तो मैं आपको फाइल के अंदर दे चुका हूँ। हाँ लेकिन ये तो 15 तारीख की है ना। हाँ जी तो 14 को पार्टी है ना, तो मैं क्या करूं? 14 की परमिशन लेके आओ। कहाँ से? पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस से। फिर साउंड पोल्यूशन कंट्रोल से। कचरा वाला से। उसके बाद हम परमिशन देंगे। अच्छा लो हैप्पी। नहीं जी जी। तेरी पैन। और जी इसकी पैन मेरी वाइफ है।